प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा जॉन आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने बहुत सारी आशीष बरकतों से हमें नवाजा है। प्रतिभोर उनकी करुणा नई होती है, नया अभिषेक, हर चीज नई हमारे लिए बेस्ट रखी है उन्होंने। हमें क्या करना है? उन आशीषों को छीनना है, याकूब की तरह छीनना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके नजदीक रहना पड़ेगा, तभी हम नजदीकी में रहेंगे, तभी हम वो छीन सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड नागे भाई, प्रेज द लॉर्ड अनिल भाई। आइए हम लोग सब दुआ में करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी सृष्टि के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको ये सुंदर शाम दिखाई और इस शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका दिया और ये अवसर दिया कि हम आपकी वेदी के सम्मुख आके आपसे दुआ प्रार्थना कर सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का और शबनम डेविड जी का कि उनका ये पेज आगरा मसीह मंडली है जो खुदा आप इसके लिए हम दुआ करते हैं। पेज बहुत आयत से खुदा आप आगे बढ़ता जाए ताकि खुदा इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग आए हम लोग को ऑनलाइन या ऑफलाइन देखते हैं खुदा आप वो सब खुदा आप आशीष किए जाए खुदा आप ये। और हम दुआ करते हैं खुदा इस पेज के द्वारा खुदा जो भी खुदा मन्ना आपकी ओर से मिलता है खुदा वो खा के लोग तृप्त किए जाएँ खुदा उनके जीवनों में खुदा आप बड़े बड़े मैकल होने पाए, बड़े बड़े खुदा आप मुआवजों होने पाए ताकि खुदा वो उन चमत्कार को देखें खुदा आप पूरी तरह से खुदा आपके और आए खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा आपने मुझको और मेरी बेटी और मेरी वाइफ को खुदा आपने महिमा के लिए चुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते खुदा आप हमारी सुधी रखते हैं, हमारी हर कमी घटी को खुदा आप आसमानी भंडार से पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हम दुआ करते खुदा अनुपम भाई के दोनों बच्चों के लिए, बेटी और बेटा के लिए खुदा, जब वो बाहर हैं खुदा आप उनके साथ रहिए खुदा, उन लोगों को कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए खुदा, उनके परिवारों में उनके खानदान में खुदा आपकी उपस्थिति हमेशा मौजूद रहा खुदा। हम दुआ करते खुदा उन लोगों को अमर दराज बनाए खुदा उनको, और खुदा हम धन्यवाद करते खुदा और दूसरों के लिए वो भलाई करते हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद आपका भी करते हैं कि आपने उनको ऐसा हृदय दिया खुदा। और खुदा हम नेटवर्क की सारी परेशानी प्रॉब्लम जो भी है खुदा उसको आपके नाम से बांधते खुदा, और खुदा इस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता के रूप यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड अनुराग भाई, आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। और जो भी अगुवाई उनको परमेश्वर देता है, वो भैया ने कहा है अनुपम भैया ने कि वो वचन भी प्रचार करे, तो जो भी परमेश्वर अगुवाई देता है वो थोड़ा सा वचन शेयर करेगी। आज सभी को परमेश्वर के मीठे मधुर छाए नाम में पेट और जीवन के हालेलुया। मैं चारा आगे से और आज सभी का परमेश्वर के मीठे मधुर छाए नाम में पेट और जीवन के हालेलुया बोलना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें की छान के जाए क्या है। और ये हाँ, जब परमेश्वर की प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर में इन हफ्तों में मुझसे जो बातें की हैं उनके वचन में चलेंगे और परमेश्वर पिता के बारे में जानेंगे। आइए अब हम चे पादर में चलने से पहले वचन में चलते हैं। पहला वचन, यहोवा उन लोगों से दूर रहता है जो दूत होते हैं, परंतु यहोवा हम धर्मी लोगों के साथ रहता है और हमारी हर एक प्रार्थना सुनकर हमारी हर एक कमी खती को दूर करता है। दूसरा वचन, अधर्म का
कृपा और सच्चाई छे है और यहोवा का भय मानने छे वह मनुष्य बुराई छे बच जाता है 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 अधम हम प्रायश्चित से कृपा में चेक करते हैं, परंतु तू अगर जो वो मनुष्य परमेश्वर को मानता है ता है और के भय को भी मानता है फिर तो वह बुराई से बच जाता है। दूसरा वचन, जो लोग वचन पर मन लगाते थे कल्याण पाता और जो यहोवा पर भरोसा रखता था वह धन्य होता है। मतलब कि जो लोग जो परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और परमेश्वर उनका जो ध्यान रखता है वो लोग बहुत धन्यवाद ही होते हैं और उन्हें खूब बेचन क्षमत मिलती है। दूसरा वचन, अधम वाले वाल लोग बुराई युक्ति करते हैं जिसके वचनों से आग लग जाती है। जो लोग दूत होते हैं और बुरी युक्ति करते हैं और अधम पर विभाग करते हैं उनकी एक बुराई से आग लग जाती है, उनके लड़ाई झगड़े होते हैं और यहीं पर ये वचन समाप्त होता है। और अब आइए, अब हम जब परमेश्वर की प्रार्थना आराधना तो ही चाहते हैं और महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो हमें हमेशा की छांगे जा गया है। आइए अब हम जब प्रार्थना चाहते हैं, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो हमें हमें हमेशा की छांगे जा गया है जीसस और हमें जिंदगी पर खड़ा जीसस। मैं आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे जो मौका दिया जीसस और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे लाइव पेपर अनुपम अंकल छपना आंटी जिन्होंने मुझे लाइव पेपर बोलने का मौका दिया जीसस, प्रार्थना करने का मौका दिया जीसस, गी गाने का मौका दिया जीसस। आपने जो प्रचार किया है जीसस वो मैंने अपने मुँह से नहीं आके मुँह से बुलाई जीसस। जिन लोगों जितने भी लोग मुझे लाइव पेपर देखे हैं जीसस और जितने लोगों में मुझे प्रचार वचन सुने जीसस ऊंचा विचार आगे बारे में जाने जीसस और दूसरों को भी बताएं जीसस जीसस और सारे लोग आगे बारे में जाने जीसस और के पुत्र बने जीसस जीसस उन्हें अनंत जीवन मिले जीसस प्लीज 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 जीसस। और उन्होंने मुझे लाइव पेपर बोलने का मौका दिया, अब उन्हें भी कोई कमी या गलती ना होनी जीसस, उन्हें भी बेचो क्षमा से भरे जीसस भरे जीसस, उन पर कोई भी तकलीफ ना होनी जीसस, चट्टान ऊपर जो वो बीमारी और दुख वो कदर चलता है जीसस, जो जमा के नाचे मान तो खत्म करते हैं क्या करते हैं जीसस प्लीज 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 जीसस। आमीन 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 आमीन। आइए अब हम जब परमेश्वर का पढ़ाई कहते हैं जो है यीशु मसीह देता खुशी। आइए मैं छह की यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी, यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बनाई न छान पैदा हुआ बनाई न छान, देखो भागा शैतान नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान ताली बजाओ नच गाओ, देखो भागा शैतान यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी, चुप जाएगा आसमान एक दिन में यीशु राजा होगा बादलों पर, चुप जाएगा आसमान एक दिन में यीशु राजा होगा बादलों पर, दुनिया देखेगी शान मछी जुबान पर होंगे कीते छक्के, यीशु मछी देता खुशी करे महिमा उसकी, यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी, यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। आइए हम जो आपके लिए कहते हैं जो मूर्ति दे आई सुना शांति आई सुना। आइए छा करिए
मुक्ति दिलाए चुना, शांति दिलाए चुना, मुक्ति दिलाए चुना, शांति दिलाए चुना। हरिया बहता जागर यीशु दया का बहता जागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए ये चुनाम, शांति दिलाए ये चुनाम, मुक्ति दिलाए ये चुनाम, शांति दिलाए ये चुनाम। हम पर भी ये कृपा करना, हम पर भी ये कृपा करना, तू है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए ये चुनाम, शांति दिलाए ये चुनाम, मुक्ति दिलाए ये चुनाम, शांति दिलाए ये चुनाम, मुक्ति दिलाए ये चुनाम, शांति दिलाए ये चुनाम। आज सभी को परमेश्वर की मीठे मधुर छाया नामे वेद और जयमसी की हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने प्रार्थना आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करी, और जैसा परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करी उन्होंने वचन भी शेयर किया। कोई खास तैयारी नहीं करी थी, लेकिन बस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने परमेश्वर का नाम अपने मुख से लिया। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर पिता की उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ, एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता तेरा इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा कि अपनी वेदी के निकट आने का मौका दिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर, तूने बहुतायत के रूप में खुदा यूज करेगा और आशीषित करेगा खुदा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला है परमेश्वर तेरे लिए, तेरा वचन सुनने के लिए, तेरी नजदीकी में रहने के लिए परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि वो समय जो उन्होंने तुझे दिया है परमेश्वर, तू आशीषों के रूप में मल्टीप्लाई करके वो समय वापस करने पर है खुदा। और जो लोग आज खुदा जो लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं परमेश्वर, जो भी मन्नत तूने उनके लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खाके तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरे जुबान का मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं, तेरी उपस्थिति को अपने बीच में मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज जो हमारा मनन का विषय है वो कहानी बाइबल में से आप सभी लोगों ने काफी पढ़ी होगी, जो एक स्वामी था जो अपने दासों को तोड़े दे के गया था। एक को 5 तोड़े मिले थे, एक को 2 मिले थे और एक को 1 मिला था। तो जब वो लौट के आया था तो जो 5 वाले के पास गया तो 5 वाले ने उससे क्या बोला था कि मैंने 5 और कमाए हैं। तो उसने क्या कहा था, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। सेम उसने 2 वाले से कहा था, 2 वाले ने 4 किए थे, लेकिन जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने क्या किया था, उसने वो तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया था। उसने क्या कहा, मैं जानता हूं जहां तू नहीं बोता वहां से भी काट लेता है। मतलब उसको बता दिया कि तू बहुत कठोर है, इस मारे मैंने जो ये तोड़ा था वो मैंने मिट्टी में दफन कर दिया। तो उसने क्या बोला था उससे, हे दुष्ट और आलसी दास, तू ये जानता था कि मैं जहां से नहीं बोता हूँ वहां से भी काटता हूँ।
तू इसे सर्राफों को दे देता, ऐसा कर देता, वैसा कर देता था। उसके बाद उससे क्या कहता है, इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में जहां रोना और दांतों का पीसना होगा वहां पे उसे डाल दो। दांतों का पीसना, रोना, आप सबको पता है कहाँ है, नरक में है। उस एक ने क्या किया, आलसीपन के कारण जिसको पांच मिले थे उन्होंने वो पांच मेहनत करी, पांच और कमाए। जिनको दो मिले थे उन्होंने मेहनत करी, दो और कमाए। उसके बाद जिसे एक मिला था उसने कहा कौन जाएगा, कौन कमाएगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उसने मिट्टी में गाड़ दिया। मिट्टी कौन, हमें परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, हम ही मिट्टी हैं। उसने वो तोड़ा जो था, वो गिफ्ट जो था, वो उसने अपने अंदर रख लिया, अपने अंदर रख लिया। परमेश्वर बहुत सारे गिफ्ट होते हैं वो हमको देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो गिफ्ट हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर ही दबा लेते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा गिफ्ट मिलते हैं, शालिनी जी प्रेज द लॉर्ड, जिन्हें बहुत ज्यादा गिफ्ट मिलते हैं वो और उन गिफ्टों को बढ़ाते, गिफ्ट को बढ़ाते चले जाते हैं, आत्मिक वरदानों के पाने की धुन में रहते हैं। किसी को चंगाई का मिला वो चाहेगा मुझे अन्य भाषा का मिले, किसी को अन्य भाषा का मिला वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, परमेश्वर की नजदीकी में रहेगा, वो भविष्यवाणियों का लेगा, परमेश्वर उसे देगा देगा। लेकिन जिसको कोई एक गिफ्ट मिला होता है, जो आलसी होता है, आलसी होता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। और आलस करने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। उन पांच कुआरियों, उस दस दस कुआरियों के बारे में भी आप सभी को पता है, पांच जो थी वो अलर्ट थी, अपनी कुप्पियों में तेल उन्होंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। और पांच कैसी थी, आलसी थी। अरे भर लेंगे, अभी कौन सा दूल्हा आ रहा है, भर लेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, कहते कहते और क्या हुआ, दूल्हा आ गया। अब वो तेल लेने के लिए ढूंढने लगी, क्या थी वो, आलसी थी। दूल्हा जिन जो अलर्ट थे, जो चुस्त थे, उन्हें जो अपने काम में निपुण थे, यहोवा वो दूल्हा उनको अंदर ले गया, अंदर ले गया। लेकिन जो सुस्त थी, आलसी थी, सो रही है प्रेज द लॉर्ड भाभी, जो सुस्त थी, आलसी थी कि अरे भर लेंगे, अभी कौन आ रहा है, अभी कौन आ रहा है, वो वहीं रह गई। परमेश्वर सुस्त और आलसी लोगों को पसंद नहीं करता है, नहीं करता है। और आज के समय में, आज के समय में होता क्या है, लोगों के दिलों में, दिमागों में सुस्ती छाई पड़ी है। आज परमेश्वर के लिए जागरूक नहीं है, नहीं करना चाहते हैं, वो सुस्ती उनके जीवनों में घर कर चुकी है। किसी परमेश्वर के महान दास ने एक अपनी किताब में लिखा है कि एक बार क्या हुआ, जब शैतान ने देखा कि लोग जो है, जाति की जातियां जो हैं, वो पलट रही है, परमेश्वर की तरफ आ रही हैं, परमेश्वर को उद्धार करता करके मान रही हैं, यीशु मसीह को मान रही हैं, जीवनों को जीवन बदले जा रहे हैं, तो शैतान जो था, दुष्ट जो था, वो घबरा गया। उसने बैठक बुलाई, उसने कहा आओ सब लोग आओ। सब आए भाई, आके बैठे, ने कहा क्या करें, इन लोगों को कैसे कैसे मतलब चेंज करें कि ये लोग पलट जाएं। एक ने कहा एक काम करते हैं, उनसे कह दें यीशु मसीह जो था वो आएगा नहीं, झूठा था और कोई वो नहीं है, परमेश्वर का पुत्र नहीं था, फिर मान जाएंगे। शैतान ने कहा अरे बेवकूफ हो तुम क्या, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग नहीं मानेंगे, वो लोग मान चुके हैं, वो जानते हैं। एक बोला मैं बताऊं। दुष्ट ने कहा चल भाई तू भी बता दे। अब वो सामने आया, आके उसने कहा कि हम एक काम करेंगे सिकंदर जी, जय मसीह की, हम एक काम करेंगे, हम लोगों से कह देंगे यीशु मसीह आएगा थोड़ी ना, वो तो वो कह गया, अब वो थोड़ी आएगा, अब तो वो अपने पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ गया है, देखना वो नहीं आएगा। उसने कहा वो लोग विश्वास, दुष्ट ने कहा कि नहीं हम नहीं मानते इस बात को, वो लोग तो विश्वास कर चुके हैं, अब वो लोग मान चुके हैं, उद्धार करता करके मान चुके हैं, विश्वास करके बैठे हैं कि वो आएगा और इंतजार भी कर रहे हैं उसका। अब सब एक एक करके सबने अपनी वो दी, किसी की काम नहीं आई। एक बड़े उसमें बोला सुस्त सा,
कहने लगा मैं बताऊं, तो दुष्ट ने कहा भाई तू भी आ जा, तुझे तो बोलने में इतना टाइम लग रहा है, चल सर सब बता रहे हैं तो तू भी बता दे, तू भी बता दे क्या करना है। तो वो आया आके खड़ा हुआ, कहने लगा कि हम उनसे कह देंगे कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, मानस जी प्रेज द लॉर्ड, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, वहां से लौट के आऊंगा। उसने कहा ये तू क्या कह रहा है, ये तो तू प्रचार कर रहा है, उनके वापस लौटने का प्रचार कर रहा है, तू तो और बता रहा है लोगों को कि वो आएंगे आके न्याय करेंगे। कह रहा भाई मैं मालिक मेरे आगे की तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहा बोल इतनी देर क्यों लगा रहा है, जल्दी बोल। उसने क्या बोला, मैं हम लोग लोगों को ये बताएंगे आएगा मसीह, आएगा न्याय करेगा, लेकिन अभी क्या है, बहुत टाइम है, बहुत देर है, तो लोग इस बात पे विश्वास कर लेंगे, लोग विश्वास करेंगे इस बात पे। तो दुष्ट क्या कहता है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और आज दुष्ट ने हम लोगों के दिमागों में डाल रखा है। आज क्या कहते हैं हम लोग, आज तैयारियां नहीं कर रहे हैं, आज तैयारियां नहीं कर रहे हैं, आज हम सुस्ती से बैठे हुए हैं, सुस्त होके बैठे हुए हैं कि क्या होगा, यीशु मसीह आएगा तो, लेकिन अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, 2022 साल तो बीत गए अभी तक तो आया नहीं। यही विचार करके आज हमारे जीवनों को हम संवार नहीं रहे हैं, आज हम अलर्ट नहीं हैं, आज हम चुस्त नहीं हैं, आज हम फुर्तीले नहीं हैं, अपना आज हम नहीं संवार रहे हैं। कि अगर हम ये विश्वास रखते, विश्वास तो हम करते हैं वो आएगा आएगा, लेकिन हमारे दिमागों में क्या है, अभी बहुत टाइम है, अभी तो आने में उसे सालों बीत जाएंगे, हजारों साल बीत जाएंगे। दुष्ट ने एक एक के दिमाग में ये चीज भर दी है कि अभी तैयारी की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है, तुम लोग भी मर जाओगे, तुम लोग की पुश्तों की पुश्तें मर जाएंगी, तुम्हारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब जाके यीशु मसीह आएगा, तब जाके यीशु मसीह आएगा। यही विश्वास करके हम बैठे हुए हैं आज, उसकी बात हम बहुत जल्दी सुन लेते हैं दुष्ट की। यीशु मसीह कब से प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, निकट है, मन फिराओ, लौट आओ, कोई नहीं जानता कि वो कब आ जाए, कोई नहीं जानता है, तैयार रहो, कमर कस लो, झिलम पहन लो, टोप पहन लो, तैयार हो जाओ। लेकिन आज कहीं ना कहीं दुष्ट आके हमारे कानों में फुसफुसा देता है, बहुत टाइम है, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ के इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि अभी टाइम है, और आलस से भरे हुए हैं। आज हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उन 5 कुआरियों की तरह कि जब दूल्हा आएगा तब देखेंगे ना, मॉर्निंग हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी, तब तेल ले लेंगे हम, क्या होगा, दूल्हा आएगा और आके अपनी दुल्हन को ले जाएगा, हम कहाँ रह जाएंगे, यही सोचते रह जाएंगे, अभी तो देर है, सुबह आएगा दूल्हा, सुबह आएगा, लेकिन आधी रात दूल्हा आ जाएगा, आधी रात। उसने हमें आत्मिक गुण दिए हैं, वरदान दिए हैं, आत्मिक वरदान, उन वरदानों को हम अपने अंदर ही दबा के बैठे हुए हैं, किस कारण, आलस के कारण। अगर उसने हमें प्रचार का वरदान दिया है, हम प्रचार नहीं करना चाहते हैं, अगर उसने हमें सिंगिंग का वरदान दिया है, हम नहीं करना चाहते हैं। उसने हमसे क्या कहा है, अगवाई मांगो, मैं तुम्हें बताता चलूंगा। हम लोग गलत ट्रैक अपना लेते हैं, गलत राह अपना लेते हैं, अगवाई नहीं मांगना चाहते हैं परमेश्वर से। हम कहते पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। पहले दुष्ट क्या करता है, हमारे दिमागों में नेगेटिव थॉट्स डाल देता है और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी सुनने लगते हैं। हमें क्या करना है, हमें केवल उससे अगवाई मांगनी है। गिदोन ने मांगी थी, परमेश्वर ऐसा नहीं है, नहीं देता अगवाई,
गिदोन ने मांगी थी, गिदोन से कहा था जा चढ़ाई कर, उसने कहा मैं तो छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है और बड़े कम लोग हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब कि उसने एक्सक्यूजेस दे दिए थे। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा नहीं तुझे करनी है, मैं तुझे विजयी करूंगा, मैं तुझे विजयी बनाऊंगा, तुझे ऐसा करना है, उसने कहा अच्छा तू चाहता है तो मुझे फिर साइन दे, साइन दे, तू मुझे बता मुझे क्या, मैं मतलब उसने कहा बता क्या साइन मांगता है, क्या मांगा था उसने, उसने कहा था मैं चाहता हूँ कि पूरी जमीन गीली हो जाए और एक कॉटन जो है वो सूखी रहे, वो सूखी रहे। परमेश्वर ने वो करके दिखाया, पूरी जमीन गीली हो गई और वो कॉटन सूखी रही। एक बार में ही दोनों नहीं माना, एक बार में नहीं माना, उसने कहा ठीक है अब इसका उलट कर दे तू, अब क्या कर, जमीन सूखी रहे ये कॉटन गीला हो जाए। परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा थी, उसने आलस नहीं किया कि मैं देखूंगा, मैं लोगों को बढ़ाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा तब मैं करूंगा चढ़ाई। उसने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ने दूसरी बार वैसा ही कर दिया, जमीन सूखी रही, उसकी कॉटन गीली हो गई। परमेश्वर की अगुवाई पाई उसने और उसने चढ़ाई करी और वो विजयी हुआ, विजयी हुआ। अगर वो भी आज हमारी तरह, परमेश्वर कह रहा है अगुवाई है कि जा प्रचार कर, जा इसके लिए प्रार्थना कर, जा ये लोग अंधेरे में हैं, तू इन्हें प्रकाश में लेके आ, जो ज्योति मैंने तुझे बनाया है वो ज्योति तू इनके बीच में चमका। लेकिन हम क्या करते हैं, आलस के मारे, ये हमारे दिमाग की सोच होगी, परमेश्वर किसी और को भेज देगा, हम कहाँ इतने वो पावर, मतलब पावरफुल हमारी दुआएं कहाँ है, हमारी प्रार्थनाओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है, हम उससे कह देंगे, हम अपने पास्टर जी से कह देंगे आप उनसे दुआ करा लो, आप इनसे दुआ करा लो, हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। हम आलस के मारे क्या होता है, पीछे हट जाते हैं। अब आगे क्यों बढ़ें, कोई बढ़ रहा है ये तो काम पास्टर उसका है, ये काम तो उन प्रचारक का है, ये काम तो उनका है, ये काम तो इवेंजलिस्ट का है, हम क्यों नहीं। क्या हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं है, क्या परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा नहीं ले सकता है, क्या वो चाहता नहीं है, क्या उसने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया नहीं है, बिल्कुल सब कुछ किया है, सेम वैसे ही बनाया है, अगुवाई दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, दुआओं में प्रार्थनाओं में सामर्थ्य दे रहा है, साथ लेके चल रहा है, हाथ पकड़ के चल रहा है, उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आलस के मारे पीछे हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। आलसपन हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा, जिसने वो तोड़ा, वो गिफ्ट जो उसने दिया था उसके स्वामी ने, वो अपने अंदर दबा लिया, अपने अंदर दबा लिया कि नहीं किसी को बताएंगे नहीं कि हम भी प्रचार कर सकते हैं, किसी को बताएंगे नहीं कि हम भी गाना गा सकते हैं, किसी को बताएंगे नहीं कि हमारी प्रार्थनाओं में भी सामर्थ्य है, नहीं तो हमें तो टाइम ही नहीं मिलेगा, दिन भर हम फोन पे लगे रहा करेंगे, ये लोग फोन से हमसे प्रार्थनाएं करवाएंगे, ये लोग हमारे घर आएंगे, हम अपने लिए समय कहां निकाल पाएंगे, कैसे सो पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे। आलस क्या था, जिसने वो तोड़ा, वो गिफ्ट जो था अपने अंदर दबा लिया था, कहां भेज दिया गया, कहां, कहां भेजा था, जहां रोना और दांतों का पीसना है, जहां रोना और दांतों का पीसना है। सब कुछ जो गिफ्ट उसने दिया था, वो गिफ्ट भी उससे छीन लिया गया, छीन लिया गया, और जिसके पास 5 थे उसे दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने एफर्ट दिखाया, उसने कोशिश करी, 5 और कमाए। जिस समय उसे 5 तोड़े मिले होंगे, वो 5 गिफ्ट वो मिले होंगे, उसने सोचा होगा मैं और कमा दूंगा, मैं मेहनत करूंगा, उसने ये नहीं सोचा होगा कि मैं इसको खत्म कर दूंगा या मेरा वेस्ट हो जाएगा, ये जो गिफ्ट है मेरे से खत्म हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ कोई भी वरदान, कोई भी वरदान कभी खत्म नहीं होता है। शर्त क्या है? शर्त यही है कि हम उसे यूज करना सीखें, मल्टीप्लाई करना जाने। परमेश्वर तो क्या करता है, आशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए बैठा रहता है, साथ चलता है, साथ चलता है, बताता चलता है कहाँ गलत है, कहाँ सही है। गलत राह चलते हैं, पीछे से आवाज आती है,
कि कौन सा रास्ता है, सही राह चलते हैं, आवाज आती है रास्ता यही है इसी पर चलो। ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं आती है, धीमी आवाज आती है, अगवाई देता है, चाहता है कि वो चुस्ती और फुर्ती हमारे जीवनों में हो जो यीशु मसीह के जीवन में थी। यीशु मसीह भी थकता नहीं था, जिस तरह वो सुबह सोचिए प्रचार के लिए निकलता था, प्रचार करता हुआ कितनी दूर दूर जाता था, पैदल चलता था उस समय, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर्स, कुछ ऐसे ये हेलीकॉप्टर, चॉपर वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, ट्रेन वगैरह नहीं हुआ करती थी। वो क्या करता था, पैदल चलता था, पैदल, क्या थकता नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के लिए वो चुस्त था, सुस्ती नहीं थी, रात रात भर प्रार्थनाएं करता था, दिन दिन भर प्रचार करता था, रात रात भर प्रार्थनाएं करता था। हमारी तरह वो भी इंसान था, वो भी इंसान था, लेकिन वो सामर्थ पाता था, सामर्थ मांगता था तो पाता था। आज हम थक जाते हैं आलस के कारण, सुबह देर से उठेंगे, रात में देर से सोएंगे, क्या कारण है, ये सुस्ती जो दुष्ट ने हमारे अंदर भर दिया। अभी कोई जागरूक होने की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत साल पड़े हैं उसके आने में, अभी थोड़ी ना आ रहा है। सुकून से अपनी लाइफ एंजॉय कर लो, जो करना है कर लो, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, ये सोचने लगते हैं हम, और वो डालता है हमारे दिमागों में, और हमारे दिमाग वैसे ही चलने लगते हैं कि हाँ अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो सुकून से रह लें, बाद में बात की बाद में देखी जाएगी। जबकि नीति वचन हमसे क्या कहता है, 22वां अध्याय 29वीं आयत, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वे राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। कौन है राजा, राजाओं का राजा कौन है, राजाओं का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके सम्मुख खड़ा होगा वो, जो काम काज में निपुण होगा आलसी नहीं होगा, और जो आलसी होगा वो कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। हमें कैसा बनना है, काम काज में निपुण बनना है, काम काज में निपुण बनना है, काम काजी बनना है, काम करना है, सुस्त आलसीपन हमें क्या करना है, दूर करना है। नीति वचन में ही एक जगह ये भी लिखा हुआ है, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु काम काजी को अनमोल वस्तु मिलती है। आलसी क्या करता है, अहेर का पीछा नहीं करता है, वो क्या करता है, बैठ गए तो बैठ गए, अहेर क्या, ये आत्मिक मन्ना, परमेश्वर की खोज नहीं करना है, परमेश्वर के लिए जानना नहीं है, परमेश्वर के लिए काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जो काम काजी होता है, चुस्त होता है, उसको अनमोल वस्तु मिलती है। अनमोल वस्तु हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो जीवन का मुकुट अनमोल वस्तु है, वो मीरास जो उसने हमारे लिए ठहराई है, वो अनंत जीवन जो उसने हमारे लिए ठहराया है, वो हमारे लिए अनमोल वस्तु है, वो घर जो वो हमारे लिए वहां उसने तैयार किए हैं वो अनमोल वस्तु है, वो नाम जो बेटे बेटियों से बढ़ के है वो अनमोल वस्तु है। काम काज ही इसका पीछा करता है, लेकिन आलसी क्या करता है, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, अभी समय बहुत है, अभी थोड़ा अपना एंजॉय कर लें, 60, 70, 80 के होंगे तब आ जाएंगे परमेश्वर में, माफ करने वाला परमेश्वर है, माफ करेगा, करेगा माफ, माफी मांग लेंगे, घुटनों पे आ जाएंगे हम, समय अभी है। अगर आज यीशु मसीह आ जाए, आज यीशु मसीह आ जाए तो क्या होगा, क्या हम तैयार हैं, या वो तेल, अभिषेक का वो तेल हम लेने के लिए जाएंगे कि अब हमारी कुप्पियों में वो नहीं है, वो अभिषेक हमें मिला ही नहीं है। जो अभिषेक पाए हुए लोग हैं वो उसके संग चले जाएंगे, क्या आज उस अभिषेक के लिए हमने प्रार्थनाएं करी हैं, अपनी कुप्पियों में वो अभिषेक का तेल भर के रखा है, जो कहां से आता है, ऊपर से आता है, हारून के ऊपर भी आया था, ऊपर से आया था नीचे की ओर, वैसे ही वो अभिषेक जो हमें उसने हमारे लिए रखा है। ऑलिवर जी, प्रेज द लॉर्ड।
हमारे लिए रखा है वो अभिषेक हमें जरूरत ही नहीं है, हम मांगते ही नहीं है कि हमें क्या जरूरत है अभिषेक की, हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो वैसे ही ब्लेसेड हैं। कहा है जीसस ने कि मैं वहां जहां मैं जा रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए मकान तैयार करूंगा, और वो नहीं छोड़ेगा हमें, नहीं त्यागेगा। वहां वो तो चला गया है, हम भी चले जाएंगे। नहीं, हमें बहुत सारी चीजें उससे पहले बटोरनी है, अपना आलसपन खत्म करना है, आलसपन हमें अपना खत्म करना है। अभिषेक हमें, अभिषेक का तेल अपनी कुपियों में भरना है, अपने जीवनों को हमें कैसा करना है, बिल्कुल अलर्ट बना के रखना है, अलर्ट अलर्ट करके रखना है, जो हम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और लोगों को भी, अरे बहुत टाइम है, लोगों को भी यही बताते चलते हैं, कब से तो सुनते आ रहे थे विश्वासी हैं, ये कैसे विश्वासी हो गए हम, कि जबकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि कब आ जाए पुत्र खुद नहीं जानता, पुत्र खुद नहीं जानता है कि कब उसका आना हो जाए। हम कैसे जानेंगे, और हम कह देते हैं बड़े उससे विश्वास से, अभी नहीं आएगा यीशु मसीह, अभी तो ऐसा होना है, अभी तो वैसा होना है, कोई नहीं जानता कब आ जाए, क्योंकि अंत का समय निकट आ चुका है। बाइबल हमें एक एक चीज डिक्लेयर कर चुकी है, अंधेरे में नहीं रखा है, वो ज्योति हम पर प्रकट हो चुकी है, वो हर चीज हम पर प्रकट हो चुकी है, वो यीशु मसीह की ज्योति हम पर प्रकट हो चुकी है। हमने, हम जानते हैं कब क्या हो रहा है, अंत के समय में ऐसा होगा, अंत के समय में वैसा होगा। आज वो सारी बातें एक एक करके पूरी होती चली जा रही है। हम अंधकार में नहीं है, हम नहीं कह सकते कि यीशु मसीह आपने हमें बताया नहीं, आपने हमें अंधकार में रखा, हमें अंधेरे में रखा। जैसे शादी के टाइम में हम लोग कह देते हैं ना, लड़की के ये तो बात आपने बताई नहीं, आपने हमें अंधेरे में रखा, ये गुस्से की बहुत तेज है। लड़के के बारे में, अरे आपने ये तो बताया ही नहीं, आपने हमें अंधेरे में रखा कि ऐसे हैं। यीशु मसीह ने, हम परमेश्वर से नहीं कह सकते कि परमेश्वर तूने हमें अंधेरे में रखा, तूने बताया ही नहीं कि तू आने वाला है। नहीं, परमेश्वर ने वो ज्योति प्रकट कर दी है। हम जानते हैं कि बहुत कम समय रह गया है, बहुत कम समय रह गया है, हमें क्या करना है, तैयारी कर लेनी है, अपनी कमर को कस लेने की जरूरत है। हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल रेडी हो जाना है कि वो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। एक भी कमी नहीं छोड़नी है, एक भी झुर्री नहीं छोड़नी है, एक भी दाग नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो जिस कलीसिया को लेने आ रहा है वो कैसी होनी चाहिए, बेदाग बेझुर्री। बेदाग और बेझुर्री हम कब हो सकते हैं, शादी के टाइम पे भी लड़कियां कितना दिन भर सुस्ती नहीं करती हैं, सोती नहीं रहती हैं, कभी ये मर रही हैं, कभी वो मर रही हैं, इतनी तैयारियां जागरूक रहती हैं कि उस दिन के लिए हमें तैयार होना है। उपटन भी लग रही है, फेशियल भी हो रहा है, दाग धब्बे हैं वो छुटाने की कोशिश की जा रही है, ब्यूटी पार्लर में जाके ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया जा रहा है, सिटिंग दी जा रही है। क्या इसी तरह की तैयारी, इसी तरह की तैयारियां हमने उस दूल्हे के आने की करी है, कि वो दूल्हा आने वाला है, हमें तैयारी करनी है। हम कहां से कम है, वो गिफ्ट्स, वो तोड़े जो उसने दिए हैं क्या हमने मल्टीप्लाई किए हैं। हम बताएं कि हाँ परमेश्वर तूने हमें 2 तोड़े दिए थे, हमने 4 और कमाए हैं। तूने हमें 5 दिए थे, हमने 5 और कमाए हैं। क्या इस तरह की हमारी तैयारी है, या वो एक गिफ्ट जो उसने हमको दिया वो भी हमने अपने अंदर दबा लिया है। हमें क्या करना है, अब हमें वो गिफ्ट को अपने अंदर दबाना नहीं है, हमें उसे काम में लाना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परमेश्वर उस पे आशीष देगा और हमसे क्या कहेगा, हे धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, तुझे मैं बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, बहुत वस्तुओं का अधिकारी। अगर हम बहुत वस्तुओं के अधिकारी बनना चाहते हैं तो हमें उन गिफ्ट्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई करना है। तो आज से हम
हर तरह का आलस सुस्ती सब कुछ छोड़ दें। अगर दुष्ट आके हमारे कानों में फुसफुसाता भी है कि बहुत टाइम है, हम कह दें टाइम नहीं बचा, हमारे पास नहीं है टाइम, कितनी हमें कितना काम करना है, कितना काम करना है अपने परमेश्वर के लिए, अगर आप सोचें तो हमारे पास मतलब रेस्ट का भी टाइम नहीं है। कितनी सारी ऐसी आत्माएं हैं जिसे हमें बचाना है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अंधेरे में हैं, उन्हें रोशनी में लेके आना है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को नहीं जानते हैं, उन्हें वचन के बारे में बताना है। बहुत काम है, बहुत काम है। तो हमें क्या करना है, सुस्ती को छोड़ना है और अब चुस्त हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और ये विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर ने जो हमें गिफ्ट दिया है उस गिफ्ट को अब हमें केवल मल्टीप्लाई ही करना है, कि जब जिस समय परमेश्वर आए आके हमसे पूछे कि क्या हुआ जो मैंने तुझे गिफ्ट दिया था, हम कहने पाए हमने उसे चार गुना बढ़ाया है, तब परमेश्वर हमें कहेगा ब्लेसेड, धन्य है विश्वास योग्य दास, हम परमेश्वर के विश्वास योग्य बने। बस यही मैं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं यह सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक उस इंसान के लिए खुदा जिसने अपना कीमती समय निकाला खुदा और तेरे सम्मुख बैठा खुदा, और जो भी मन्ना तूने आज अपने लोगों के लिए ठहराया था खुदा, हम विश्वास करते हैं कि तेरे लोग खाके तृप्त किए जा चुके हैं परमेश्वर। जो भी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि वो तेरे सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच चुके हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है खुदा। बहुत जल्दी खुदा बहुत बड़ी बड़ी हम गवाहियां भी देखेंगे खुदा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा, जिस तरह वो एक जील रख के तेरे लिए काम कर रहे हैं, तेरे प्रचार का काम कर रहे हैं, उनकी ये इच्छा है खुदा कि दुनिया के कोने कोने तक तेरा नाम जाना जाए परमेश्वर, ऐसा होगा परमेश्वर, और तू बहुत तायत के साथ उन्हें आशीषित करेगा परमेश्वर। वो तेरी आशीषों को देखने पाएंगे परमेश्वर, जिन जिन लोगों से वो मिलेंगे खुदा वो लोग भी आशीषित होने पाएंगे परमेश्वर, जितने लोग उनके संपर्क में है परमेश्वर वो सारे लोगों को तू दुगनी तिगनी चौगनी आशीषित करने पर है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कैंसर जैसे रोगियों के लिए परमेश्वर, जो जिंदगी से हताश हो चुके हैं परमेश्वर, दुष्ट ने उनके दिमागों में दिलों में मनों में डाल रखा है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे, मगर हम खुदा तेरा ढांढस उनके दिलों में मनों में देते हैं परमेश्वर। तू डॉक्टर्स का डॉक्टर है खुदा, तू चंगाइयां देने वाला परमेश्वर है, तू स्वर्ग से चंगाइयां रिलीज कर परमेश्वर ताकि वो लोग चंगे हों और एक गवाही बने परमेश्वर, ताकि लोग देखें कि जिसे डॉक्टर ने नकार दिया था परमेश्वर ने उसे चंगाई दी है खुदा, क्योंकि जो दरवाजा तू खोलता है खुदा कोई उसे बंद नहीं कर सकता। तू सब कुछ करने वाला खुदा है, तू इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला खुदा है खुदा। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जो शरीर की किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं खुदा, पेट में, सर में, पैरों में, आंखों में, जहाँ कहीं भी सर दिमागों में खुदा, जो भी परेशानियां हैं खुदा तेरा चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर है खुदा, वो लोग चंगाई पा रहे हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि आगे आने वाले समय में खुदा बहुत बड़ी बड़ी चंगाइयां होने वाली हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जिनके पास नौकरियां नहीं है, जिनका आसरा भरोसा तू है खुदा, वो लोग टेंशन में है खुदा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, मगर तूने खुदा उनके घर की बागडोर संभाल ली है परमेश्वर। तू सब कुछ करने वाला खुदा है, तू स्वर्ग से नौकरियां उन लोगों के लिए मुहैया कर रहा है खुदा। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर, तूने आकाश रूपी भंडार खोल दिए हैं, हर उत्तम से उत्तम आशीष खुदा उनके घर पे आने वाली है परमेश्वर।
और जो भी उनके पास लिमिटेड पैसा है, जो भी कुछ है खुदा, वो ब्लेस्ड होने वाला है, ब्लेस्ड होने वाला है, ब्लेस्ड होने वाला है परमेश्वर। तू उसे मल्टीप्लाई करने वाला है परमेश्वर। वो उनकी जरूरत, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा खुदा, उसके बाद भी वो पैसा बचेगा खुदा। तूने ऐसी ब्लेसिंग्स उनके घरों में दी है परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो जिंदगी से परेशान है खुदा। दुष्ट ने उनको डिप्रेशन में डाल दिया है खुदा। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता खुदा, ना वो लोगों से बात करते हैं, ना मिलते हैं खुदा किसी से भी खुदा। उन लोगों ने कांटेक्ट खत्म कर दिया है खुदा, अकेले हो गए हैं परमेश्वर। मगर तूने उन्हें नहीं छोड़ा है खुदा। तू उनसे बात कर, उनसे बोल खुदा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा खुदा उनसे बात कर, उनसे बोल खुदा, तेरी ज्योति उन पर प्रकट हो परमेश्वर, ताकि वो लोग उजाले में आ सके, उस अंधेरे में से निकल के उजाले में आ सके परमेश्वर। तेरे तुझसे बात करने वाले हो सके, तेरी योजनाओं को समझने वाले हो सके खुदा, और एक आनंद, एक उत्साह उनके जीवनों में आने वाला हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे यंगस्टर्स के लिए खुदा, जो गलत राहों पे हैं परमेश्वर, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर परमेश्वर, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा खुदा उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा, ताकि वो लोग सही राहों पे आने वाले हो सके खुदा। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं, तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगाई है परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीषित करे, और हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं, परमेश्वर ने हाँ और आमीन में पूरी करी। और जितने लोग भी निराशा में हैं, परमेश्वर उनसे बात करेगा, और वो लोग एक नया बल, नई सामर्थ अपने अंदर देखने वाले हो सकेंगे, और लगेगा उन्हें कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दे दी है। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आप लोगों को आशीष करे।